लीजिए सुनिए कहानी परिंदे। अंधेरे गलियारों में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडोल कटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर के कमरे में लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाजा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? लतिका चुप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर घुसर फुसर होती रही, फिर दरवाजे की चिटकने के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लो में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका के स्वर में हल्की सी झिड़की का आभास था। लैब में तेल ही खत्म हो गया मैडम। ये सुधा का कमरा था, इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात को डिनर के समय आसपास के कमरों की इकट्ठी लड़कियां जमघट करती थी। उसी के कमरे में पूरा जमघट लगता था। देर तक गपशप होती थी, हंसी मजाक चलता रहता था। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। कमरे में हंसी फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से जो अनुशासन की घुटन गिराई थी वह अचानक बंद हो गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। उसके आलस और काम में टालम टोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे के चारों ओर घेरा बना करके वो बैठी थी, पास पास एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो सब कुछ बदल गया था, या जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमट कर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? हाँ मैडम। फिर? लतिका का स्वर कड़ा हो आया। जूली सकुचा कर खिड़की के बाहर देखने लगी। जब से लतिका स्कूल में आई है, उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन टाट फटकार के बावजूद नहीं होता। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए आज रात हम सब ने मिलकर। और सुधा पूरी बात न कहकर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना। लतिका को उलझन मालूम हुई। इस समय यहां आकर उसने इनके मजे को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते उसे खासा अरसा हो गया, लेकिन कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार कर सर्दियों की छुट्टियों का घेरा पार कर सर्दियों की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता है, उसे कभी याद नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप वह देरी से बाहर को गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा? मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही हैं? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल। लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछले साल भी कही थी, और शायद पिछले से पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हैं, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादलों का शाह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर
उसे अपने में डुबो लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर उस धीरे से उसने सर को झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है, अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। वेल गुड नाइट। लतिका ने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। गुड नाइट मैडम, गुड नाइट, गुड नाइट। गलियारे की सीढ़ियां न उतर करके लतिका रेलिंग के सहारे ही खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तहें बहुत घनी हो चली थी। लोन पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर बह आती थी। हवा में सर्दी का हल्का सा आभास पाकर लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक आया। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा कि जैसे उसकी टांगें बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर से बंधी हैं, जिसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर अब जैसे वह भीतर न होकर के बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जगी। शॉल को कंधे पर लपेटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर ह्यूबर्ट के साथ एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था और ह्यूबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने दो चार सीढ़ियां उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट। थैंक यू मिस लतिका। ह्यूबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियां चढ़ने से उनकी सांसें तेज हो रही थी और दीवार पर लगे वो हाँप रहे थे। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग के जैसा हो गया था। यहां क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने अपने होठों के भीतर सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट ने मुस्कुरा कर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से छुला दी। इनसे पूछो, यही मुझे जबरदस्ती घसीट लाए हैं। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में छोटा सा कंसर्ट होगा जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट सोंपा और चाइगोस्की की कंपोजिशन बजाएंगे और फिर क्रीम कॉफी भी पियेंगे। उसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए हैं उन्हें हम सब मिलकर कन्फेस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर भारी मुस्कान खेल गई। डॉक्टर, मुझे माफ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए ये भी ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। वह आधे बर्मी थे, जिसके चिन्ह उनकी थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखों से स्पष्ट थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वह इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा कन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे और इसलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में ही एक कमरा दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि डॉक्टर कभी स्वयं अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते हैं। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते हैं, मरने से पहले मैं एक दफा बर्मा जरूर जाऊंगा, और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में एक नमी सी छा जाती है। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ नहीं पूछ पाती। उसे लगता है कि डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ पूछे या उनसे सहानुभूति दिखलाए। दूसरे ही क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए वो हंस पड़ते, एक सुखी और पूछी हुई हंसी। होम सिकनेस ही ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं।
छत पर मेज कुर्सियां डाल दी गई और भीतर कमरे में परकोलेटर में कॉफी का गर्म पानी चढ़ा दिया गया था। सुना है अगले 2-3 वर्षों तक यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा, डॉक्टर ने स्प्रिट लैंप जलाते हुए कहा। यह बात तो पिछले 10 सालों से सुनने में आ रही है। अंग्रेजों ने भी यहाँ कौन सी लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी पता नहीं, उसका क्या हुआ, हुबर्ट ने कहा। मैं आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बाहर लॉन की तरफ देख रहा था। लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियां ले आई, मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया। छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी के इर्द गिर्द सिमटने लगा, एक घनी नीरवता चारों ओर घिरने लगी। हवा में चीड़ के वृक्षों की साए साए दूर दूर तक फैली पहाड़ियों और घाटियों में सीटियों सी गूंज सी छोड़े जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी, अभी से हवा में एक सुर्द खुश्की सी महसूस होने लगी है। डॉक्टर का सिगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरखधंधा क्यों पसंद आता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या है? जरूरी है कि लड़कियां फादर एलमंड का सरमन सुने, ह्यूबर्ट ने कहा। डॉक्टर को फादर एलमंड एक आंख नहीं सुहाते थे। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में कॉफी उंडेलने लगी। हर साल स्कूल बंद होने पर यही 2 प्रोग्राम होते हैं, पहला चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद फिर दिन में पिकनिक। लतिका को पहला साल याद आया जब डॉक्टर के साथ पिकनिक के बाद वह क्लब गई थी। डॉक्टर बाहर में बैठे थे, बाहर रूम के कुमाऊं रेजिमेंट के अफसरों से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड्स का खेल देखने के बाद जब वह वापस बार की ओर जा रहे थे, तब उसने दाईं ओर क्लब की लाइब्रेरी में देखा, मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए थे। मिस लतिका, यह मेजर गिरीश नेगी है। बिलियर्ड्स रूम से आते हुए हंसी ठहाकों की आवाज के बीच वह नाम दब सा गया। वह किसी किताब में बीच में उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर, वह पीछे मुड़ा। तब उस क्षण न जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और कॉफी की कुछ गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक आई। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर एक उनिंदा रीतापन घिर आया है। हवा के झोंके से मोमबत्तियों की लौ फड़कने लगी। छत से भी ऊंची काठ गोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट्स में आसपास की फैली हुई झाड़ियों की छायाएं घर की दीवारों पर सरकती हुई गायब होती जा रही हैं। मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियों में यहीं रहेंगी, डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर सौंपा का नॉक्स्टर्न ह्यूबर्ट की उंगलियों के नीचे से फिसलता हुआ धीरे धीरे छत के अंधेरे में घुलने लगा, मानो जल पर कोमल स्वप्निल उर्मियां भंवरों का झिलमिलाता जाल बुनती हुई दूर दूर तक किनारों तक फैलती जा रही हों। लतिका को लगा कि कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे हैं। इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़कियों से उन्हें देखा है, धागे से बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह वे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़े जाते हैं, पहाड़ों की सुनसान नीरवता से परे उन विचित्र शहरों की ओर जहां वो कभी नहीं जाएगी। लतिका आर्म चेयर पर ऊंघने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका न जाने क्या सोच रही है। लतिका सोच रही थी क्या वह बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया। पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियां, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज में चीखना, सब उसे ओल्ड मेड कहते हैं।
कुछ वर्षों बाद वह भी हूबहू वैसी ही बन जाएगी। लतिका के समूचे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने किसी ग्लीज वस्तु को छू लिया हो। उसे याद आया कुछ महीने पहले अचानक ह्यूबर्ट ने उसे प्रेम पत्र लिखा था, भावुक याचना से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने न जाने क्या लिखा था जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी। उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, अब भी वो दूसरों को आकर्षित कर सकती है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वह चाहती तो उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर नहीं लगाती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती है। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है, अपने सुख का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलतफहमियों से जुड़ा है। ह्यूबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को चाह सकेगी उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है न उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा है। उसकी टांगें फिर निर्जीव शिथिल सी हो गई हैं और झटके से उठ खड़ी हुई, डॉक्टर माफ करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और बिना पूरा वाक्य किए वह चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही, मोमबत्तियां बुझने लगी थी। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कस लिया। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ और सेंटिमेंटल। ह्यूबर्ट की उंगलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ता गया। अंतिम सुरों की झिझकी सी गूंज कुछ क्षणों तक हवा में तिरती रही। डॉक्टर, आपको मालूम है मिस लतिका का व्यवहार कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। ह्यूबर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव था। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसी भावनाओं का आभास मात्र भी हो सके। जिन कोमल अनुभूति को वह इतने समय से संजोता आया है, डॉक्टर उसे हंसी के ठहाके में उपहासास्पद बना देगा। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो ह्यूबर्ट, डॉक्टर ने कहा। ह्यूबर्ट दम रोक के प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलासोफाइज करने की आदत है। डॉक्टर टेरेस के जंगले से सटकर खड़ा हो गया। फीकी सी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छायाएं लोन पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हवा में गायब हो जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूं इंसान जिंदा किस लिए रहता है, क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला। हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहां क्यों पड़ा हूं, यहां कौन मुझे जानता है, और यहीं शायद मर भी जाऊं। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौफनाक बात है। ह्यूबर्ट विस्मित सा होकर डॉक्टर को देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर को इस रूप में देखा था। अपने संबंध में वो अक्सर चुप रहते थे। कोई पीछे नहीं है, यह बात मुझमें अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है, लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनी रहती है। शायद वे जिंदगी से बहुत उम्मीद लगाते थे। उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास ही नहीं होता। डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रहे हैं, ह्यूबर्ट ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर चुपचाप सिगार पीता रहा, फिर मुड़कर वह मोमबत्तियों की बुझती हुई लौ को देखने लगा। तुम्हें मालूम है, किसी समय बिलानागा क्लब में लतिका जाया करती थी। गिरीश नेगी से उसका परिचय वहीं हुआ था। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। वह अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका है, किंतु उस रात कौन जानता था
कि वो वापस नहीं लौटेगा। और अब क्या फर्क पड़ता है, लेट द डेड डाई। डॉक्टर की सुर्ख सर्द हंसी से खोखली सी शून्यता भरी हुई थी। कौन गिरी इसने की? कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन था डॉक्टर क्या लतिका। ह्यूबर्ट से आगे कुछ नहीं कहा गया। उसे याद आया वो पत्र जो उसने लतिका को भेजा था, कितना अर्थहीन और उपहासास्पद, जैसे उसका एक एक शब्द उसके दिल को कचोट रहा हो। उसने धीरे से पियानो पर अपना सिर टिका दिया। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया, क्या वह इसके योग्य भी नहीं है? लतिका वो तो बच्ची है, पागल, मरने वाले के संग खुद थोड़े ही मरा जाता है। कुछ देर चुप रहकर डॉक्टर ने फिर अपने प्रश्न को दोहराया, तो क्या तुम अपनी नियति पर विश्वास करते हो बट? हवा के हल्के झोंके से मोमबत्तियां एक बार प्रज्वलित होकर बुझ गईं। टेरेस पर ह्यूबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कन्वेंट स्कूल से कुछ दूर मैदानों में बहते पहाड़ी नाले का स्वर आ रहा था। अब बहुत देर बाद कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल सुनाई दिया तो ह्यूबर्ट हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। अच्छा चलता हूँ डॉक्टर, गुड नाइट। गुड नाइट ह्यूबर्ट, मुझे माफ करना, मैं सिगार खत्म करके ही उठूंगा। सुबह बदली छाई थी। लतिका के खिड़की खोलते ही धुंध का गुब्बारा सा भीतर घुस आया, जैसे रात भर दीवार के सहारे सर्दी में ठिठुरता हुआ वह भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। स्कूल से ऊपर चैपल जाने वाली सड़क बादलों में छिप गई थी। केवल चैपल का क्रॉस धुंध के पर्दे पर एक दूसरे को काटती हुई पेंसिल की रेखाओं सा दिखाई दे जाता था। लतिका ने खिड़की से आंखें हटाई तो देखा करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए खड़ा है। करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्दली रह चुका था, इसलिए ट्रे मेज पर रखकर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। लतिका झटके से उठ बैठी, सुबह से आलस करके कितनी बार जाकर वह सो चुकी है। अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है आज, बिस्तर छोड़ने को मन ही नहीं करता। अजीम मेम साहब अभी क्या सर्दी आई है, बड़े दिनों में देखना कैसे दांत कटकटाते हैं। और करीमुद्दीन अपने हाथों को बगलों में डाले इस तरह सिकुड़ गया जैसे उन दिनों की कल्पना मात्र से उसे झाड़ा लगना शुरू हो गया हो। गंजे सिर पर दोनों तरफ के उसके बाल खिजाब लगाने से कत्थई रंग के भूरे हो गए थे। बात चाहे किसी भी विषय पर हो रही हो, वह हमेशा खींचतान करके उसे ऐसे क्षेत्र में घसीट लाता था जहां वह बेझिझक अपने विचारों को प्रकट कर सके। एक दफा तो यहां इतनी बर्फबारी हुई थी मैडम कि भुवाली से लेकर डाक बंगले तक सारी सड़कें जाम हो गई थी। इतनी बर्फ थी मैम साहब कि पेड़ों की टहनियां तक सिकुड़ कर तने से लिपट गई थी, बिल्कुल ऐसे। और करीमुद्दीन नीचे झुककर मुर्गासा बन गया। कब की बात है ये, लतिका ने पूछा। अरे यह तो जोड़ हिसाब करके पता चलेगा मैम साहब, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त अंग्रेज बहादुर यहीं थे, कंटोनमेंट की इमारत पर कौमी का झंडा नहीं लगा था, बड़े जबर थे ये अंग्रेज, 2 घंटों में ही सारी सड़कें साफ करवा दी थी। उन दिनों एक सीटी बजाती 50 घोड़े वाले जमा हो जाते थे, तो अब तो सारे सीट खाली पड़े हैं। वे लोग अपनी खिदमत भी करवाना जानते थे, पर अब तो सब उजाड़ हो गया है। करीमुद्दीन उदास भाव से बाहर देखने लगा। आज ये पहली बार नहीं है जब लतिका करीमुद्दीन से उन दिनों की बातें सुन रही है, जब अंग्रेज बहादुर ने इस स्थान को स्वर्ग बना दिया था। आप छुट्टियों में इस साल भी यहीं रहेंगी मैम साहब? दिखता तो कुछ ऐसे ही है करीमुद्दीन, तुम्हें फिर से तंग होना पड़ेगा। क्या कहती है मैम साहब, आपके रहने से भरा मैं क्यों तंग होऊंगा, हमारा भी मन लग जाता है, वरना छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ते लौटते हैं।
तुम जरा मिस्त्री से कह देना इस कमरे की छत की मरम्मत कर जाए। पिछले साल बर्फ का पानी दरारों से टपकता रहता था। लतिका को याद आया कि पिछली सर्दियों में जब कभी बर्फ गिरती थी तो उसे पानी से बचने के लिए रात भर कमरे के कोने में सिमट कर सोना पड़ता था। करीमुद्दीन चाय की ट्रे उठाता वह बोला, ह्यूबर्ट साहब तो शायद कल ही चले जाएं, कल रात उनकी तबीयत खराब हो गई थी, आधी रात के वक्त मुझे जगाने आए थे, कहते थे छाती में तकलीफ है, उन्हें यह मौसम रास नहीं आता। कह रहे थे कि लड़कियों की बस में वो कल सुबह ही निकल जाएंगे। करीमुद्दीन दरवाजा बंद करके चला गया। लतिका की इच्छा हुई कि हुबर्ट के कमरे में जाकर उसकी तबीयत का हाल पूछे, किंतु न जाने क्यों स्लीपर टंगे के टंगे रह गए और वह खिड़की के बाहर बादलों को उड़ता हुआ देखती रही। ह्यूबर्ट का चेहरा जब उसे देखकर सहमा सा दयनीय हो जाता है, तब लगता है कि वह अपनी मूक निरी याचना में उसे कोस रहा है। ना वह उसकी गलतफहमी को दूर करने का प्रयास कर पाती है, ना उसे अपनी विवशता की सफाई देने का साहस कर पाती है। उसे लगता है कि इस जाले से बाहर निकलने के लिए वह धागे के जिस सिरे को पकड़ती है वो खुद एक गांठ बनकर रह जाता है। बाहर बूंदाबांदी होने लगी थी। कमरे की टीन की छत खट खट बोलने लगी। लतिका पलंग से उठ खड़ी हुई, बिस्तर को तहा कर बिछाया, फिर पैरों में स्लीपरों को घसीटते हुए वह बड़े आईने तक आ गई। उसके सामने स्टूल पर बैठकर बालों को खोलने लगी, किंतु कुछ देर तक कंघी बालों में ही उलझी रही और वह गुमसुम होकर शीशे में अपना चेहरा देखती रही। करीमुद्दीन को यह कहना ही याद नहीं रहा कि धीरे धीरे आग जलाने की लकड़ियां जमा कर ले। इन दिनों सस्ते दामों पर सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं। पिछला साल तो कमरा धुएं से भर जाता था, जिसके कारण कंपकंपाते जाड़े में भी उसे खिड़की खोलकर सोना पड़ता था। आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा, वह मुस्कुरा रही थी। पिछले साल अपने कमरे के सीलन और ठंड से बचने के लिए कभी कभी वह विस वुड के खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चले जाया करती थी। मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहता था। उनके गदेले सोफे पर लेटते ही आंख लग जाती थी। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ा रहता है, किंतु मिस वुड से इतना नहीं होता कि 2 महीने के लिए कमरा उसके हवाले कर जाए। हर साल कमरे में तो ताला ठोक कर जाती है वह, जो पिछले साल गुसलखाने में भीतर से संगल देना भूल गई थी, जिसे लतिका चोर दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करती रही थी। पिछले साल अकेले में उसे बड़ा डर लगता था। छुट्टियों में सारे स्कूल और हॉस्टल